नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने और आपके इस YouTube चैनल एक्स्ट्रा टेक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आदित्य बिरला पेमेंट्स बैंक के अंतर्गत आप अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो जाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आने के बाद में, इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपको ओपन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, इस प्रकार से न्यू अकाउंट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर जो है एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, एक ओटीपी आता है आपके मोबाइल नंबर पे, तो आपको सिंपली वो ओटीपी यहाँ पे लिख देना और उसके बाद में जो है सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ओटीपी डालने के बाद में आप आ जाएंगे इस पेज पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूछ रहा है डू यू हैव एन आधार कार्ड, तो यहाँ पे आपको यस ही रखना है और यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। चलिए यहाँ पे आधार नंबर को हम एंटर कर देते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार में, उस पर चला गया है एक ओटीपी। और एक ऑप्शन यहाँ पे और भी मिल जाता है आपको कि अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे डोंट हैव आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्लिक करना होगा। फिलहाल के लिए मेरे आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो उस पर आ चुका है ओटीपी, तो यहाँ पर ओटीपी एंटर करके अब हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला पेज आ चुका है और यहाँ पे लिखना है आई कन्फर्म दैट आई एम एन इंडियन सिटीजन विद नो डुअल सिटीजनशिप एम आई रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब कुछ। और उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे मैरिटिकल स्टेटस अपना डालना है कि आप का विवाहित हैं अविवाहित हैं, वो सारा आपको यहाँ पे डिटेल्स डाल देनी है। उसके बाद में अपनी माता का नाम यहाँ पे डाल देना है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। नेक्स्ट आता है आपका ईमेल आईडी, मेल आईडी डाल दीजिए और आगे बढ़िए। उसके बाद में यहाँ पे जो एड्रेस होगा आपका आधार में वो पहले से दिखाई देगा। और उसके बाद में यहाँ पे पूछा जाता है इज योर कम्युनिकेशन एड्रेस द सेम एज द परमानेंट एड्रेस, तो आपको कर देना है यस। यदि कोई और है तो नो करके वो एड्रेस अपना भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिटी भी डाल देनी है, तो उसके बाद में आपको आगे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय, तो यहाँ पे आपको डाल देना है जो भी आपका हो। फिलहाल यहाँ पे मैं आदर्श डाल देता हूँ। ग्रॉस इनकम डाल देनी है कि आपकी जो है एनुअल इनकम यानी कि साल भर की इनकम कितनी है वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। और लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉमिनी डिटेल्स है, तो यहाँ पे आपको यदि नॉमिनी डिटेल्स डालना चाहते हैं तो यहाँ पे नॉमिनी का पूरा नाम, उससे आपका रिलेशनशिप, उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। और इसके बाद में नीचे देख सकते हैं यहाँ पे डू यू विश द डिस्प्ले नॉमिनी नेम ऑन अकाउंट स्टेटमेंट, तो यदि आप नॉमिनी डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक यस ही रहेगा, उसको नो नहीं कर सकते आप। और यहाँ पे दिया गया है आई एक्सेप्ट, यहाँ पे क्लिक कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नॉमिनी रखना चाहते हैं तो उसका नाम वाम डाल सकते हैं, और नहीं रखना चाहते हैं तो आप जो है इसको नो कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप जो है क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पे फिर से एक ओटीपी जाएगा। आपको सिंपली इस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देना, उसके बाद में फॉर्म को जो है सबमिट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने मोबाइल नंबर को ही अपना अकाउंट नंबर बना सकते हैं, और यहाँ पे वांट अस टू जनरेट अ अकाउंट नंबर फॉर यू। तो यहाँ पे अगर उनसे बोलना चाहते हैं कि वो आपके लिए कोई अकाउंट नंबर जनरेट कर दें, तो यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर ही मेरा अकाउंट नंबर बने, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ प्लीज़ वेट यहाँ पे बोलता है, और यहाँ पे मुझे करना होगा थोड़ा सा वेट, और यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो उसके बाद में अगला स्टेप आता है यहाँ पे सेट पासवर्ड का, तो सिंपली सेट पासवर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद में यहाँ पे अकाउंट नंबर आपका शो करेगा, तो यहाँ पे आपको फिर से पासवर्ड जो है यहाँ पे सेट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, और वही पासवर्ड को आप फिर से नीचे डाल दीजिए। तो यहाँ पे किस प्रकार से पासवर्ड रहना चाहिए फॉर्मेट में बता देता हूँ, ABCD@123 कैपिटल ए, तो इस प्रकार से पासवर्ड बना लीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे लिखा है प्लीज़ वेट वाइल वी एक्टिवेटिंग योर अकाउंट, तो यहाँ पे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो रहा है, कुछ आपको यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद में आपका अकाउंट जो है जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है, और देख सकते हैं सारी यहाँ पे आपका लॉगिन हो चुका है, सारी डिटेल्स आपको दिख रही है। तो यहाँ पे थ्री डॉट्स पे जाएंगे, देखते हैं क्या है, अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं।
और यहाँ पे आप डैशबोर्ड है, फंड ट्रांसफ़र है, पे टू मर्चेंट है, बिल पेमेंट्स है और ABPB स्टोर है। और यहाँ पे आपका नाम दिखा होगा, यहाँ पे प्रोफाइल है आपकी और लॉगआउट है। और यहाँ पे आप रेफ़र एंड अर्न, तो यहाँ पे रेफ़र करके भी जो है अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे 10,000 रुपये कैशबैक, बहुत सारे ऑफ़र यहाँ पे चलते रहते हैं, तो कुछ भी कीजिए, यहाँ पे ऑफ़र देख लीजिए। फिर यहाँ पे यो टोटल बैलेंस देख सकते हैं, तो यहाँ पे व्यू अकाउंट पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे किस प्रकार से मनी ऐड करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। तो वैलेट और सेविंग अकाउंट, जिस प्रकार से आपका पेटीएम वर्क करता है उसी प्रकार से ये वर्क करता है। सेविंग अकाउंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे माई सेविंग अकाउंट जो बैलेंस है वो 0 है यहाँ पे। तो इसमें मनी ऐड करने के लिए आप जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे जाएंगे आप, इधर एक डॉट बना है रेड कलर का, इस पे जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पे अपने नाम पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे दिखाई पड़ेगा सेविंग अकाउंट नंबर IFSC। तो आप IMPS कर सकते हैं अपने अदर अकाउंट से, या फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे अपने अकाउंट में बैलेंस ऐड कर सकते हैं, या फिर इसके मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन होके आप मनी को ऐड कर सकते हैं अपने वैलेट में और वैलेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट में। तो इस प्रकार से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सिखा दिया है किस प्रकार से अकाउंट ओपन करेंगे आदित्य बिरला पेमेंट्स बैंक में। और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको अपने कमेंट का आंसर ना मिले तो प्लीज़ हमको मेल कर दीजिएगा। कमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, आंसर देना संभव नहीं हो पाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।